अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल अलसरा। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो फिलहाल मैंने अभी ये अमेज़ॉन का पैकेज रिसीव किया है, क्योंकि सरफराज ने लिया है न्यू फ़ोन, और उसके साथ उन्होंने मंगाया हुआ था स्क्रीन गार्ड और स्क्रीन कवर। तो जस्ट अभी अमेज़ॉन का पैकेज आया है और मैंने रिसीव कर लिया है। तो अब शाम में इंशाल्लाह फ़ोन की ओपनिंग करते हैं। अरीशा को हुआ है वायरल और उसकी वजह से बहुत इरीटेटेड है, तो हमने सोचा चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो बाहर तो बहुत गर्मी है, इस वजह से हम मैकडी आए हुए हैं कि अरीशा भी खेल लेगी और हम भी थोड़ी देर बैठ जाएंगे। और इस पूरे मैकडी में हमारा ये फेवरेट प्लेस है। बाकी सारी केबिन छोड़ के हम सिर्फ इसी को चूज़ करते हैं, क्योंकि हमको ये बहुत पसंद है। और ये रहा सफ़ू का न्यू फ़ोन। So now I am also iPhone family. Like हाँ, अभी हमारी फैमिली में सबके पास हो जाएगा, सो वी कैन इजीली फेस टाइम नाउ। सो ओपन इट। किस साइड से ओपन करना है? वाओ, माशाल्लाह। iPhone 14 Pro Max साथ में आया है, केबल और पैम्पलेट्स वगैरह। चार्जर अडाप्टर नहीं देते ना, खाली केबल दे देते हैं। आपको लेना पड़ेगा अलग से। सो ओके, सो कैसा फील हो रहा है? मेरा 13 प्रो मैक्स है और साइज एंड ऑल सब ठीक है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था लेने के लिए, फिर मैंने सेव किया धीरे धीरे सेव करके जब ऑफर लगा तो फिर मैंने ले लिया। तो क्योंकि कितना 6 साल के बाद मैं आईफोन पे वापस आया। यस, ऑलमोस्ट। इससे पहले आप कौन सा यूज़ कर रहे थे? इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था वन प्लस, जो कि सबसे बेस्ट लगा मुझे। हाँ, वन प्लस से पहले आईफोन 6s प्लस जो रिशा यूज़ कर रही है अभी। हाँ, उससे पहले था आई थिंक सो उससे पहले था सैमसंग। उस सैमसंग का कौन सा था फ़ोन याद? तो सबसे बेस्ट आपका कौन सा था? सबसे बेस्ट अगर मुझे लगे तो 2010 में मैंने लिया था, मतलब मैं सऊदी अरब जब ये वेकेशन पे आता था तो पार्ट टाइम जॉब किया था मैंने उस सलमान ने, तो उसकी सैलरी से मुझे N8 मैंने लिया था, नोकिया N8 ज़बरदस्त। अब तो नोकिया का नामो निशान खत्म हो गया। टाइम पे बेस्ट था, नया लॉन्च हुआ था अभी, उसका कैमरा ज़बरदस्त था। उससे पहले था N73, अबू ने गिफ्ट किया था जब मैं हाई स्कूल पास किया था। उससे पहले अपना चाइना का एक फ़ोन 14 स्पीकर के साथ, और उससे पहले भी एक कोई नोकिया का यहाँ पे आता था, आई डोंट नो कौन सा उसका मॉडल कौन सा है, यहाँ पे उसको बोलते थे पांडा। ओके, थोड़ा सा राउंड शेप में था वो। और उससे पहले कीबोर्ड के कोई से नॉर्मल से फ़ोन से, हाँ, लेकिन 2012 में जब मेरी जॉब लगी थी तब S2 नया निकला था, सैमसंग S2, तो वो मैंने लिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर नोट, सैमसंग नोट 3 निकला था विद पेन एंड ऑल, वो मैंने लिया था, वो भी बेस्ट था। तो ओके, देन अगेन सो ओपन इट, स्क्रीन हटाओ। वाओ, नए फ़ोन की अलग खुशी। अभी ये एक महीने तक थोड़ा सा अच्छे से संभाल के, हाँ, और उसके बाद से जैसे नॉर्मली यूज़ करता है इंसान वैसे ही फ़ोन यूज़ करने लगता है। तो ओके, लेट्स। ये वही स्क्रीन प्रोटेक्टर और स्क्रीन कवर है जो हमने सुबह में मंगाया हुआ था, तो अभी इसको लगाते हैं। टेम्पर्ड ग्लास, प्रोटेक्टिव ग्लास और टेम्पर्ड ग्लास और प्रोटेक्टिव केस है ये। ओके, और वो टेम्पर्ड ग्लास। ओके, तो चलो लगाते हैं फिर। यू ग्रीन का अभी तक मुझे सबसे बेस्ट स्क्रीन कवर लगा, क्योंकि इसके साथ ना फ्रेम भी देते हैं, जिसके वजह से आप इजीली ख़ुद से ही लगा सकते हो, किसी से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बबल भी नहीं आता, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही लगाया हुआ है। लेट्स सी कितना प्रोटेक्टेड वाला है। हाँ चलो, वैसे मेरा इरादा लेने का नहीं था, लेकिन अभी ऑफर लगा था तो मैंने ले लिया, और मुझे चेंज करना था, क्योंकि अगर देखो तो मेरे इस फ़ोन में फ़ोन की हालत ख़राब हो गई। हाँ,
और इसकी बैटरी हम बैटरी तो नहीं बैटरी तो सही है, इसका कैमरा टूट गया, वो भी मेरे से टूट गया था। तो बाकी वन प्लस इज द बेस्ट फोन, साइड से ना प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहता है। ओके, तो मतलब तुम देख नहीं सकती फिर? ऐसा तो कुछ नहीं, मुझे तो थोड़ा दिख रहा है। नहीं तो ऐसे नहीं दिखेगा ना तुमको। आपको स्पेशली कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू फोन। इफ यू वांट टू एक्सचेंज तो मैं एक्सचेंज कर सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मेरे पास बहुत बेहतर है। मेरा ना ऐसा नहीं है ना कि मतलब मुझे हर टाइम चेंज करना होता है, मुझे एक अगर जिस पे मैं फिक्स हो जाती हूँ ना, सेटल हो जाती हूँ, फिर मुझे वही अच्छा लगता है। वैसे मुझे अब सबसे बड़ा टास्क है ना डाटा ट्रांसफर का। हाँ वो सबसे ज़्यादा, वो तो उसमें अभी आपको 2-3 दिन लगेंगे क्योंकि ऑफिस भी है ना, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं हो पाती। ठीक है, इंशाल्लाह अब नए फ़ोन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें कुछ खाने का भी दिल कर रहा था तो हमने सोचा कि चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, और नीचे काउंटर पे जाने से बेटर है कि यहाँ स्क्रीन से ऑर्डर कर दो तो वो आपके टेबल पे लाके सर्व कर देते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विस लगती है मुझे मैकडी की, ये सारे पूरे मैकडी में ये अलॉट करते हैं सर्विस, तो बहुत आसानी हो जाती है आपको, आपके टेबल पर अपना ऑर्डर सर्व हो जाता है। तो अब चलते हैं, हम बैठते हैं अपने केबिन में। यहाँ पर तो अरीशा पहले ही से है। आइसक्रीम खाओगी? मैं आइसक्रीम मंगाया। ओके, आयशा के लिए आइसक्रीम आई है। तो जगह दो मुझे भी, मुझे भी जगह दो, मुझे जगह दो। गेट इनसाइड बेबी यीशु। ओह बेश, तो आपने अचानक से कैसे इरादा बनाया फोन के लिए? वैसे मैं तो बोल रही थी आपको, पर आपका प्लान था? इरादा तो नहीं था, मैं सोच रहा था मैं इंडिया से जाके लूंगा मैं, और अभी तक मुझे अब जरूरत नहीं थी, मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ना इतना कोई वो नहीं रहता, लगाव नहीं रहता फ़ोन से। मतलब कि पहले मुझे ये रहता था कि जो भी लेटेस्ट फ़ोन आया तो हर साल मैं कुछ ना कुछ चेंज करते रहता था, लेकिन अब अपनी प्रायोरिटीज लोगों की डिफरेंट होती है ना। हाँ। तो इसीलिए मुझे नहीं था रहता, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही थी ज़्यादा। मतलब कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे लेना है तो मैं कौन सा लूँ, और फिर जब घर पे सब वही यूज़ कर रहे हैं तो मैंने सोचा फेस टाइम वगैरह के लिए अच्छा रहता है, और प्लस थोड़ा सिक्योर भी रहता है। हाँ, वो तो है। इतना वर्थ नहीं है वो, तो टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी कहूँगा वही चीज़, इतना वर्थ नहीं है जितना हाइप क्रिएटर उसका। हाँ, लेकिन हाँ वीडियो क्वालिटीज एंड ऑल उसकी अच्छी रहती है। Yes, वो तो है, वीडियोस क्वालिटी इसी, और प्लस तो जब यूज़ करी थी तो मैं वो देख के ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि कुछ कुछ मुझे फंक्शन अच्छे लगे, फिर अपग्रेड काफी उन्होंने किया हुआ है, तो फिर इसी वजह से फिर मैंने इरादा बना लिया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी सरफराज ऑफिस चले गए हैं, मैं और अरीशु घर पे हैं, अरीशु ने शावर ले लिया है, बाकी अब घर के कामों में लग जाते हैं, घर की हालत दुरुस्त करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं। फिर हम बनाएंगे अपना लंच, और ब्रेकफास्ट तो ऑलमोस्ट स्किप, उसका टाइम चला गया। लंच में मैंने बनाया था अपने लिए वेजिटेबल सैलेड, और मैं तो यही खा रही हूँ, अरीशा को भी देखती हूँ, अगर वो खा लेती है तो बेहतर है, वरना उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा मुझे। इसमें बस मैंने वेजिटेबल्स डाले हैं, तो मेरे ख़्याल से उसे पसंद तो नहीं आने वाला, अब देखती हूँ क्या करना रहता है। नून पे चल रही थी क्लियरेंस सेल, और हमने कुछ चीज़ें मंगाई हैं घर की ज़रूरत वाली। मेरा जो पिछला आयरन था वो ख़राब हो गया था, तो इसके वजह से मैंने न्यू आयरन मंगाया है, और मुझे ये लाइट वेट आयरन बहुत पसंद आते हैं क्योंकि आप इसे कैरी भी कर सकते हो, अगर कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, ट्रिप में जा रहे हो, तो आप ये अपने लगेज में डाल सकते हो, ज़्यादा वेट भी नहीं है और अच्छा काम करता है। तो लास्ट वाला भी मेरा सेम था, पर वो ब्रांड अलग थी, इस दफ़ा मैंने फिलिप्स का मंगाया। उसके साथ साथ मैंने पैंट्स मंगाए, पैंट नहीं था मेरे पास प्रॉपर, तो इसलिए शॉर्ट पैंट, जैसे फ्राई वगैरह कुछ करना होता है तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है, और ये बड़े वाले पैन अक्सर ना जब मुझे वो बनाना होता है, कुनाफा वगैरह बनाना होता है ना, तो इसके लिए ये बहुत सही रहता है, बिग पैन इसमें बहुत अच्छा बनता है। सो अभी हम बस ये निकाल रहे हैं अपने नून के पैकेजेस, क्योंकि अभी तक तो टाइम ही नहीं मिला था, और ये मेरे ख़्याल से मेड इन इंडिया है। अभी हम हैं होम सेंटर में, क्योंकि हमें लेने थे एक दो आइटम इंडिया जाने से पहले, जो कि घर की बहुत
ज़रूरतों में शुमार हैं। तो उससे पहले मैं कहीं और जाती, मुझे ये लाइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो आजकल सेल चल रही तो देखूँ यहाँ पे क्या है। और ये लैंप अच्छा लगा था, इस पर ऑफ़ भी बहुत अच्छा था। बट मुझे स्टैंड लैंप से ना एक प्रॉब्लम है कि अरीशा से कभी वो टक्कर हुआ ना तो गिर सकता है। शू रैक की हमें बहुत ज़रूरत थी और हम वही देखने आए थे कि अगर हमें कोई प्रॉपर शू रैक मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो फ़िलहाल उसी के चक्कर में हम भटक रहे हैं, टहल रहे हैं और देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें। देख लो इनका, ये अब्बा बेटी दोनों इंजॉय कर रहे हैं। सोफ़ा कौन अच्छा है? हाँ तो प्राइस तो देखो 1500। प्राइस तो देखो इसकी, और ये टोटल प्राइस आपको पता है कितनी है? 4797 है। बात कर रही थी लाइक ऐसा कुछ कॉर्नर पे जो हमारा हॉल है ना उसके रखते तो अच्छा लगता। जैसे ये पिंक चेयर या जिस पे मैं बैठी हूँ अभी, ये देखो इंस्टाग्राम कॉर्नर टाइप होता है ना, वैसा कुछ बनाने का मेरा प्लान था। पर अभी तो इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ से आके डिसाइड। आयशा को चाहिए ऐसा बेड आयशा के रूम में। वाह अरीशु बताओ, ये चाहिए बेड? नहीं, कौन सा बेड चाहिए? वो ये या ये वाला? वो वाला बेड चाहिए। ओके चलो, अब जब अरीशा का रूम सेट करेंगे ना तो ऐसा बेड ला के लगाएंगे। शू रैक तो हमें मिला नहीं जैसा हम ढूंढ रहे थे। मतलब प्राइस भी सही हो और वो एक्चुअली वर्थ हो प्राइस के, तो वैसा कुछ हमें मिला नहीं। इस वजह से हम आ गए अरीशा को लेके वापस से मैकडी और हम यहाँ पे बैठते हैं, अरीशा तब तक खेलती हैं। इसी के साथ साथ ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हमारे साथ ऐसे ही बरकरार रहिए, जुड़े रहिए। हमारी वीडियोस पसंद कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।